सभी को नमस्कार। अर्घ का टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं अर्घ दिया जा रहा है माँ छठी मैया को, सूर्य भगवान को। जय छठी मैया। काफ़ी भीड़ थी अभी थोड़ी देर पहले और मुझे लगा कि आपको भी अर्घ देते हुए दर्शन कराया जाए। ये लो ना, लाइव है। हाँ, मैं भी
भी आ गई अर्घ दे के। आप सबका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए नदी के उस पार कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये छठी मैया का और आज अंतिम दिन है, यानी कि अर्घ का दूसरा दिन। ये देखिए भीड़ कितनी है। पापा पूरा गंदा है वहाँ पे, यहाँ बैठ जाइए यहाँ पे। अब आपको थोड़ी देर में मैं कथा सुनाऊंगी छठी मैया का, सूर्य भगवान का कथा हो रहा है यहाँ घाट पे, हवन होगा। इसको बोलो कुंदन, सबके स्वागत बा। प्रवीण भैया जय छठी मैया, जितेंद्र पांडे जी प्रणाम, जय छठी मैया। अखिलानंद शर्मा जी जय छठी मैया। नवीन कुमार जय छठी मैया। सबके हुके अभी तुरंत रवि षष्ठी व्रत की कथा हुई घाट पे, ओकरा बाद हवन हुई और फिर सबके हुआ अपना अपना घर जाए। तब तक आई एगो गीत सुना देता नहीं, बहुत ही मशहूर जौन गीत कहल जाला कि छठ के सिग्नेचर सॉन्ग का। बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तारा तुरे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जा। जय छठी मैया। रउआ लोग के अभी तुरंत अभी फर्स्ट व्रत की कथा सुनाएं जो बोला यहाँ तक नहीं जा पाएगा माई, यहाँ तक नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कहिए कथा। मांगे बोले रेखा की मांगे तो बोला यहाँ तक माइक नहीं जाएगा। वो अनाउंस कर रहा चाय का दूध का, इसीलिए नहीं दिया। तार वाला है वो, कल नहीं है। चल चल चल। आप सब सुनी रवि षष्ठी व्रत की कथा। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओ मोतिया दिवा को उच्चारण करते हुए संकल्प करे, पश्या शीतल कमल बनाकर द्वादश बीजों के नाम लिख कर विधिवादे पंचोदार से पूजन करे। बाद में कथा सुने।
प्रथम सनादि धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके ऋतु समय से फल पुष्प आदि अर्पण कर भक्ति भाव से प्रार्थना कर तदुपरांत कथा सुने। अतः कथा प्रारंभ श्री जन्मेन्द्र जी ने वैश्यपरायण से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन द्वारा कपट जुआ से परास्त पांडव लोग निवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैश्यपरायण जी बोले कि जन्मेजय सुनो, वह पांडव के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुखित सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फूल फल खाकर पृथ्वी पर तल में शयन करते हुए केला भोज पत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राज्य कन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर वे ब्रह्मश्वेता तप रूपी 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता में घबरा उठे कि इन ऋषियों के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उपयोग करें तो मुख की चेष्टा मलिन ये स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निजे पुरोहित महाराज धम्य को पवित्र आसन पर बैठा कर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भर कर कुल धर्म द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन से बोली कि हे शंभ महाभाग इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता है। दुख है न सार्थ कोई वर्त मुझसे कहिए जिसे इनका कलेश शांत होवे। थोड़े ही उपाय में यह प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला वर्त को कहिए जिसे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिसे शत्रु का नाश होवे, निजे राज लक्ष्मी वापस मिले। इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जाए। हे महाभागे महाविभो ऐसा कोई उपाय वर्णन कीजिए। द्रौपदी ने यह कहकर यह वचन सुनकर वैश्यपरायण जी जन्मेजय जी कहते हैं कि ब्राह्मण में श्रेष्ठ महाराज धम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले कि पंचाली पुत्री एक उत्तम व्रत को तुम सुनो। जिस व्रत को पूर्व समय में नागकन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभाग्य स्त्रियों के साथ तुम मने के विघ्नों को शांत करने वाली रवि खष्टी का व्रत करो। द्रौपदी बोली कि हे विप्र आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है। इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है। वह नाग कन्या कौन सी है और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया है। महाभाग व सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली थी। हे शरणागत मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर शंभु जी बोले कि हे द्रौपदी सतयुग में एक सयाति नाम का राजा थे जिनके 1,000 स्त्रियाँ थी। उनके एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी। वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत्र मुख कमलवत्र नेत्र और कुंभस्तरी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बालावस्था में वह बालावस्था में ही चंचला थी। वह कन्या पिता के प्राण के समान थी। इसे पृथ्वी लोक में उसमें दूसरी कोई कन्या नहीं थी जिसको हमने देखा है। इससे उनका सुकन्या नाम पड़ा था। एक समय राजा सयाति मृग्या शिकार के लिए मंत्री सेना बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर जंगल की ओर गए शिकार करने के लिए। राजा सयाति शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ पीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए निर्मित जंगल में गई। वहाँ पर चमन मुनि के आश्रम था। व्रत के कथा हो रहा दीमक देह में लगी और देखी कि वह मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनी की भांति चमक रहे थे। उसने विस्मित होकर के दोनों आंखें फोड़ दी। तब मुनि ने नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी। वह चकोराक्षी सुकन्या के फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली गई। चमन मुनि की आंखों में सुकन्या
द्वारा जो फोड़ दी गई उसे राजा और सेना का मलमूत्र सब कुछ बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब तीन दिन तक तीन रात तक व्यतीत हो गए तब व्याकुल होकर अपने पुरोहित को राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया? आप जीव दृष्टि से देखकर कहिए और पुरोहित जी से बोलिए कि हे राजन, भार्गव वंशी चमन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस है खा गए तथा हड्डी मात्र ही लिपटी हुई है। राजन, आप कन्या के अज्ञान बस इसी ऋषि को दोनों आंखें फोड़ दी है, इसे रुधिर होकर रुधिर बढ़ रहा है, उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। तो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए, अपनी कन्या उनको दे दीजिए। कन्या दान से वह मुनि चमन भी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन को सुनकर राजे सयाति सुकन्या के साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ते हुए हड्डी मात्र से दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में अपराध हुआ है जिसे आपकी आंखें फोड़ दी है। हे मुनिवर, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या को आपको देते हैं जिसे आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुन करके ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सयाति ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हो गए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा कमल मित्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न ऋषि के राजा अपने देश को चले गए। वह सुकन्या नेत्रहीन चमन ऋषि की सेवा में करने लगी। वह सुकन्या किसी मास में एक दिन जलने के लिए करनी छोटे तालाब में गई, जहाँ अनेक आभूषणों से युक्त सेना के कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या ने धीरे धीरे पास आकर पूछा कि महाभाग्य क्या करती है, किस कारण आई है? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साधवी, मैं नाग कन्या हूँ, वर्ध कर कश्यप जी के पूजनार्थ से आई। सुकन्या बोली कि हे, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, फल क्या है, पूजा के विधि क्या है, इस महीने में और किस विधि को किया जाता है? नाग कन्या ने युक्त होने पर सर मरोरसीद के लिए व्रत दिया जाता है। व्रत को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत धारण करें, सहायता में किन का भोजन करें करके पृथ्वी पर व्रत करें, दिन में मंडप बनावे, रात्रि में जागरण करें, अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि नैवेद्य लगा करके आदि बजा कर उत्सव मनावे। जिस समय सूर्य नारायण के दर्शन न हुए तब तक धारण किए हुए प्रातः काल सप्तमी को सत्यनारायण का दर्शन करके अर्घ देवें। आपको भी नारियल कदली फल पुष्प चंदन आप और नाम के सूर्य है उन्हीं के नामों से उच्चारण करते हुए प्रत्येक मंडप का जनवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवें। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पारण हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मा ब्रह्म विष्णु शिव सूर्यनारायण के नमस्कार है। इसी प्रकार व्रत को करने से महाघोर कष्ट को दूर करने को मनोवांछित फल देते हैं। हे वर्ग, हमने वह रवि फर्स्टी वर्ग को तुमसे कहा। श्री श्याम जी ने कहा कि द्रौपदी नाग कन्या के वचन को सुनकर सुकन्या इस उत्तम वर्ग को किया। इसी वर्ग के प्रभाव से चमन ऋषि के नेत्र पुनः वर्त हो गए। ऋषि चमन के शरीर निरोग हो गया। सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगे। इससे हुए पंचालिनी पहचान नंदिनी, तुम भी इस वर्ग को उत्तम वर्त करो। इस प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः लक्ष्मी को पावेंगे, निसंदेह ही तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने समय महाराज से आज्ञा के लिए यथाशक्ति यथा विधि व्रत किया। इसे अतिथि रूप में जो ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया है। बस परायण जी ने कहा कि जन्मे ने किया इसी व्रत को प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित लक्ष्मी प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इसे पूरी व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सुकन्या की भांति पति सहित पावेगी इस व्रत का उद्यापन करे और प्रत्येक व्रत को करे और सुने ब्राह्मणों को दक्षिणा दे उसका मनोरसिद्ध होगा। कोई भी भक्ति मूर्ति की कथा को सुनता है उसे कौशपौत्री संपत्ति के अच्छा सुख मिलता है। इस भांति इस कथा को सुनकर सत्य नारायण को देकर नमस्कार करते हुए सूर्यकांत जी अपने घर जाए। पूरे सूर्य भगवान की जय। कथा समाप्त। कथा समाप्त। रवि शंख मम्मी नहीं आया है। शंख कहाँ पर? षष्ठी व्रत के कथा जे बा समाप्त हो गई। अभी अब हवन हुई तुम्हारी जरूर मम्मी के तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है आपको। आप आइए प्रसाद खाने।
देखिए जिनका अर्घ हो गया है, जिनका पूजा पाठ हो गया, वो घर वापसी जा रहे हैं। ये देखिए मेरे घर की छोटी बहुत मेहनत कर रही है, ये भी लगी हुई है। अजय दिनकर जी, जय छठी मैया, नीरज मिश्रा जी, जय छठी मैया, सबके होके स्वागत बा। आज घाट से लाइव जितना लोग देख रहा बा, जितना लोग जुड़ल बा, सबके होके जय छठी मैया, जय जय सूर्य भगवान। देखिए अब हवन के हवन शुरू होके जाता, हवन भैला के बाद सब लोग अपन अपन घर जाई। अरे भाई हवन कर ला, हवन हवन कर लिए। आदित्य सिंह जी, जय छठी मैया। बाकी सनी आप कोरोना से बचने के लिए किए हैं? दूरी जरूरी जरूरी बा। विमल जी मिश्रा, जय छठी मैया। मनोज कुमार ओझा जी, जय छठी मैया। जी क्रीना मूर्ति आर्ट, जय छठी मैया। अच्छा दिनेश यादव जी हैं यहाँ के, जय छठी मैया रुआ के। हीरो के प्रणाम, अखिलानंद शर्मा जी। देखिए हवन के शुरुआत होता अब। राउत परिवार बहुत सुंदर बा, सब लोग बहुत व्यवहारिक बा, चाची तो बहुत ही सुंदर बानी जे, के आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल आशीर्वाद सब केहू के बा, जितना लोग जुड़ल बा, जितना लोग लाइव के देख ले बा, देखा था, सब केहू के ढेर सारा आशीर्वाद बा, सब परभूषण लोग के तरफ से, माँ के तरफ से, छठी मैया के भी तरफ से, सूर्य देवता के भी तरफ से। सुनीत कुमार जी, जय छठी मैया, रुआ के भी शुभकामना बा छठ पर्व के। चलिए तो ना बाबू साहब को हमने कौन बात नहीं। देखिए हम होता ही आपका ही है, इसलिए आखिरी विधा एक बाद ओ मंगला एन स्वाहा, ओ बुधवा एन स्वाहा, हम भी पापा जा। ये प्रसाद दी ओम तुम बाद प्रतियों
श्रद्धालुओं से अनुरोध है आशीर्वाद के रूप में थोड़ा थोड़ा प्रसाद व्रतियों श्रद्धालुओं से अनुरोध है आशीर्वाद के रूप में थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम हवन कर लेने सरोज दास जी कह रहा बानी कि यहाँ के नेपाल के रहे वाला हई लेकिन अभी मलेशिया काम के सिलसिला में यहाँ के ऊर्जा रहनी और बहुत मिस कर रहा बानी छठी मैया की। यही से जितना लोग छठ में अपना परिवार के साथे अगर नहीं खे आई तो ओकरा खातिर लाइव बा जे जहाँ भी बा ओजे से दर्शन करे छठी मैया के। यही से लाइव कहनी है हम रोगा लोग के छठ महापर्व की ढेर सारा शुभकामना बा। देखी नजारा कुछ से घाट खाली हो गई कहे कि सब लोग की पूजा खत्म हो गई तो लोग वापस चल गए घर अपन जी प्रणाम आपके भी अखिल आनंद शर्मा जी जो यहाँ के सूरत से देख रहे बानी लाइव के रउे लोग खाती हम लाइव कैले बानी दर्शन करी रउआ लोग। आरती होता छठी मैया के सूर्य देव के आरती होता जी बोकारो से लाइव बा
बहुत बहुत स्वागत बा। झूला खाती बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया। आज के ये पूजा ये समाप्त हो। अगर रुआ लोग पुकारो रहती तो ज़रूर हम बोले थी, लेकिन प्रसादी के भी फोटो भेजब जो हम पॉसिबल बा। रुआ लोग खा ले हब। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पहर राती जल थल से सेला चरण तुहार, हे छठी मैया दर्शन दीही नया पार। रुनुके बेटी मांगिला, रुनुके झुनुके बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित दर्शन दीही नया पार। दर्शन दीही नया पार, दीनानाथ भेंट लीही ना हमार। यही गीत के साथ वालों के बहुत बहुत आभार धन्यवाद। गोर लगा तनी। जय छठी मैया।